तमिल फिल्म वीआईपी 2 यानी वेलाइला पट्टाधारी के सीक्वल के साथ काजोल लंबे समय बाद एक ग्रे शेड वाले किरदार में नजर आने वाली थी और इस फिल्म में वो अभिनेता धनुष के साथ काम कर रही थी। लेकिन दर्शकों को ये फिल्म रास नहीं आ रही है और काजोल धनुष निर्देशक सौंदर्या रजनीकांत की बेटी जैसे दिग्गजों के इस फिल्म से जुड़े होने के बावजूद फिल्म वो करिश्मा नहीं कर सकी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे 5 में से 1 स्टार की रेटिंग देते हुए एक थका देने वाली फिल्म करार दिया है। साल 2014 में आए इस फिल्म के पहले भाग में जहां एक नयापन था, वहीं इस दूसरी फिल्म में उतना मजा नहीं आता है और फिल्म को ज्यादा पसंद भी नहीं किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने रिव्यू में इस फिल्म को पिछली फिल्म के मुकाबले कमजोर माना है। जहां पिछली फिल्म में एक ग्रेजुएट लड़के के संघर्ष की कहानी को धनुष मासूमियत से निभा गए थे, वहीं इस फिल्म में अपनी बीवी की मांच और डांट से बचते हुए धनुष थोड़े अजीब लगते हैं। दोनों ही अखबारों ने काजोल के अभिनय की तारीफ की है, लेकिन साथ ही यह भी मानना है कि काजोल के रोल को काफी कमजोर तरीके से लिखा गया है और वो एक अमीर बिल्डर के किरदार को वैसे ही निभा रही है जैसे कोई 90 के दशक का विलेन। फिल्म क्रिटिक अनन्या गोपाल भी इस फिल्म को 2 स्टार देती हैं और कहानी को शुरू से ही प्रेडिक्टेबल मानती हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इस फिल्म में धनुष के अभिनय की तारीफ हुई है और वो इस फिल्म में कहीं कहीं रजनीकांत की छाप छोड़ते नजर आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पिछली फिल्म जैसा मैजिक यहां नहीं चला पाते। इस फिल्म की स्क्रिप्ट खुद धनुष ने लिखी है और उनकी पत्नी सौंदर्या इस फिल्म की निर्देशक है, लेकिन पति पत्नी की केमिस्ट्री पर्दे पर मैजिक क्रिएट नहीं करती। फिल्म क्रिटिक्स के अनुसार काजोल फिल्म में फ्रेशनेस तो लाती हैं, लेकिन कहानी के कमजोर हो जाने पर और बोरिंग घिसे पिटे डायलॉग इस फिल्म को एक स्तर से ऊपर जाने ही नहीं देते। फिल्म का हिंदी वर्जन भी रिलीज हुआ है, लेकिन अगर आप काजोल और धनुष के बड़े फैन हैं तभी इस फिल्म को देखने जाएं।